इंडियन साइंस कांग्रेस का इनॉग्रेशन हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कैसा देखते हैं इस पूरे आयोजन को आप? नहीं, इसका आयोजन तो बहुत अच्छा है, जो इंडियन साइंस कांग्रेस ये 108 जो इसका सेशन है, इसका मतलब है एक मोर देन 100 ईयर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये हमेशा ही हमारा प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेशन करते हैं जो January 3-7 तारीख हर साल। लास्ट 2 साल में हुआ नहीं है कोरोना के लिए, उसी के लिए पोस्टपोन्ड हुआ था, लेकिन ये जो मेगा इवेंट है, सबसे बड़ा इवेंट हमारा इंडिया में इंडियन साइंस कांग्रेस, जिसका जो मेन ऑफिस है कोलकाता में, हर साल इन्होंने एक एक अलग अलग यूनिवर्सिटी में जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो ये सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है, और इसमें 14 टोटल सेक्शन है, उसमें एग्रीकल्चर भी एक, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री साइंस एक सेक्शन है, जिसमें मैं ही डॉक्टर डी आर विश्वास प्रेसिडेंट, और एग्रीकल्चर का कितना हमारा, हम उसी के बारे में थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, जो एग्रीकल्चर का मेरी एक्सपर्ट है, जो सॉइल साइंस का है, आजकल जो गवर्नमेंट का सॉइल साइंस का बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो मृदा परीक्षा का जो दिया है, जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, उसका कितना फसल का उत्पादन 2 गुना कर सकते हैं, तो ये प्राइम मिनिस्टर का हमारा जो एजेंडा है, ये फार्मर्स आज फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत ही उसके का हिसाब से हर एक सॉइल का हमने टेस्ट करते हैं, उसको जांच करने के बाद कितना खाद देना ज़रूरी है, कितना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं, उसने ऑप्टिमम मात्रा में उसको खाद देना चाहिए, तो फसल उत्पादन ज़्यादा बढ़ेगा, तो मिट्टी का भी जो खराब नहीं होगा और उत्पादन भी बढ़ेगा, ये हमारा मोटो। और बाकी जैसा सेक्शन है, एक मैथमेटिक्स का भी है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, उसका एंथ्रोपोलॉजी का, स्टैटिस्टिक्स का, कंप्यूटर, हर एक सब्जेक्ट का, मेडिकल साइंस का, हर एक आस्पेक्ट का इसको अलग अलग सेशन होता है, इससे बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, और नोबेल लॉरेट भी इस बार 2 नोबेल लॉरेट आएंगे, और हमारा जो इंडियन का हर एक डिपार्टमेंट का जो हमारा एक्सपर्ट है वो आएंगे, उन्होंने प्लेनरी लेक्चर देंगे हर एक डिपार्टमेंट, मेडिकल साइंस से लेके एग्रीकल्चर तक हर एक, तो इसका आप बहुत ही बड़ा इवेंट है। अनफॉर्चुनेटली मोदी हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं आ पा रहे, तो थोड़ा अदरवाइज ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है। मैं बोलूँगा यहाँ पे एक तो काफ़ी सारा ऑप्शंस मिलता है, जैसे हमारा कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी यहाँ पे है, तो कोई पेपर पब्लिश करना चाहता है या पोस्टर प्रेजेंटेशन करना चाहता है तो उसके साथ तो वो कर सकता है, और यहाँ पे अवार्ड्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड्स, जैसे बेस्ट पोस्टर अवार्ड है, तो यूथ के लिए ये सब अच्छा है, क्या उनको ऑप्शन मिल रहा है, पोडियम मिल रहा है, क्या यहाँ पर आप अपना जो भी रिसर्च वर्क है आप दिखा सकते हो, और अगर आप अप टू द लेवल हो तो आपको अवार्ड भी मिलेंगे, फिर आप उसी को दिखा के आप अपने कॉलेज या उस पर फर्दर रिसर्च कर सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, हम भी थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं क्या वो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना टाइम होता है, अब वो नहीं आ पा रहे हैं तो अब देखते हैं, अभी तो ऑनलाइन होगा, हम अब देखते हैं उनका स्पीच कैसे हैं, वो तो अच्छा ही बोलते हैं, हमको सबको पता है, वो इससे प्रेरित होंगे, और निश्चित ही प्रधानमंत्री भी अपने, हमको आशा है कि उनके आने वाले इनॉग्रल स्पीच में, संबोधन में, बच्चों के लिए और युवा संशोधकों के लिए कुछ अच्छे प्रपोजल्स भी शायद वो अनाउंस करे, ऐसी हमारी अपेक्षा है।